रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियां आपको पैसे से नहीं मिलती है, कंपनी आपका स्टेटस देखती है, आप इसके लायक हो के नहीं हो ये कंपनी तय करती है ना। महाराजा पटियाला की कहानी है कि उस समय उसने गाड़ी मांगी और अंग्रेज ही उस गाड़ी को यूज करते थे, तो महाराजा पटियाला को कंपनी ने देने से मना कर दिया, तो बड़ा अपमानित हुआ वो। उसने भी किसी तरह से 7 गाड़ियां मंगवाई, किसी और जुगाड़ से जो भी किया होगा, सबको ऊपर से कटवाया और शहर का कचरा उससे ढोया। तो ये सब घटनाएं इतिहास में घटी हैं। इसका मतलब है कि लोग हमारे सम्मान को और हमारी पहचान को किस तरह से मिसयूज करते हैं, कि तुम किस चीज के लायक हो ये हम तय करेंगे। इसी तरह से किसी ब्रांडेड चीज को पहनकर मैं अपनी पहचान सोचता हूं, ये कितनी बड़ी मेरी मानसिक गरीबी है। कोई ब्रांडेड चीज मेरी पहचान का आधार होगी, इसका मतलब मैं इतना अकल से पैदल हूं, मैं इतना सम्मान से पैदल हूं, कोई कंपनी मेरी पहचान होगी, इसका मतलब मेरी अपनी कोई पहचान नहीं, मेरा अपना कोई सम्मान नहीं। ये आदमी के लिए अपमानजनक है कि कोई वस्तु उसके सम्मान का कारण बने। पच नहीं रहा आपको? ये इस बात की सूचना है कि मेरा सम्मान मेरे पास नहीं है, मेरी पहचान मेरे पास नहीं है। कभी मैं उसको किसी कार से भरने की कोशिश करता हूँ, कभी किसी ब्रांड से भरने की कोशिश करता हूँ। मेरी मानसिक गरीबी को मैं अलग अलग तरह से व्यक्त करता हूँ। ये भरने के सारे प्रयासों के बावजूद इसमें कोई सफलता नहीं मिलती है। तो इससे एक क्लैरिटी हमारी बन गई कि ये स्टेटस सिंबल है। स्टेटस सिंबल क्या चीज है? सम्मान के लिए मैं ऐसा करता हूं। तो मैं 2 लाइनें लिख देता हूं, फिर ब्रेक के लिए चलते हैं। तो एक बात समझ में आई कि सारी जिंदगी मैं सामान से सम्मान की तलाश में हूं। अब देखिए, सम्मान की चाहत कैसी है? सीमित या असीमित? असीमित मतलब निरंतर। तो सम्मान की चाहत असीम है और वो सामान से मिलना है, इसलिए सामान की चाहत असीम है। ये लोचा समझ में आया। मैं सामान से सम्मान की तलाश में हूं, सम्मान की चाहत निरंतर है, असीम है, और वो सामान से मिलता है, इसलिए कितना सामान मेरी जरूरत बन गया? सामान की निरंतरता, सारे ब्रांड है ना, जो भी कुछ मैक्सिमम हो सकता है वो सब मेरी कल्पना में स्वीकार हो जाता है। दूसरी तरफ अब दूसरा लोचा भी साथ साथ पूरा कर लें, तो शरीर के साथ जो भी संसार है सारा, इस संसार का नाम सुविधा है। गुजरात का गांव हो, सूरत हो, लंदन हो, अमेरिका हो, सुबह से लेके सारे लोग क्या काम में लगे हैं? सुविधा में लगे हैं। तो सुख का क्या होगा? सुख शांति का क्या होगा? क्या मान के चल रहे? सुविधा होने से सुख हो जाएगा। ये दूसरा लोचा। ये दूसरा लोचा, सुख शांति हम कितना चाहते हैं? सुख हम कितना चाहते हैं? असीम। और वो किससे चाहते हैं? वो सुविधा से चाहते हैं, शरीर से चाहते हैं, इसलिए ये भी असीम। तो लोचा समझ में आ गया? तो लोचा ये समझ में आ गया, घूम फिर के कहानी उतनी है, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। हम जिंदा रहने को ही जीना मान के चल रहे हैं, हम सामान को सम्मान मान रहे हैं, हम सुविधा को सुख मान रहे हैं। कितने प्रतिशत लोग? ऑलमोस्ट ऑल।
तो आप कल्पना कीजिए कि हमको इतने हजार साल में ये भी समझ में नहीं आया कि यार खाना खाने से मेरे विचारों के कन्फ्लिक्ट दूर नहीं हो रहे हैं। कितना भी पैसा हो जाने से पति पत्नी के संबंध ठीक नहीं हो रहे हैं। कितना भी बड़ा पद और पैसा आने से भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता से मुक्ति नहीं हो रही है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था, यदि हमारे पास जिंदगी का एड्रेस ही गलत है तो हम कितनी भी मेहनत करें क्या मंजिल तक पहुंचेंगे? यदि जिंदगी का एड्रेस ही गलत है तो हम कितनी भी मेहनत करें तो क्या जिंदगी में पहुंचेंगे, जिंदगी तक पहुंचेंगे? इसलिए बहुत इस्टेब्लिश्ड सेंटेंसेस हैं, सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आया। ये बहुत स्थापित सेंटेंस है, ये बेवकूफी कहाँ हो गई? यदि सामान से सम्मान की तलाश में करेंगे तो जीवन संघर्ष होगा कि नहीं होगा, सुख दुख साथ साथ होगा कि नहीं होगा, कभी अच्छा लग जाए कभी नहीं लगेगा। यदि सुविधा से सुख की तलाश है तो क्या हम संबंध में पवित्रता से जी पाएंगे? हमारी कल्पना में दूसरा आएगा ही, फिर एक से तृप्ति होने वाली नहीं है। तो इस धरती पे सारे अपराध की जड़, सारी समस्याओं की जड़, केवल और केवल जिंदा रहने के धरातल को जीना मानना, सामान से सम्मान की तलाश करना और सुविधा से सुख की तलाश करना, जो कि असंभव है। तो समझना आपके लिए ऑप्शन नहीं है कि मेरा मन होगा तो समझ लूंगा, मेरा मन नहीं होगा तो नहीं समझूंगा। सुखपूर्वक जीने के लिए, अपने पारिवारिक संबंधों में ठीक से जीने के लिए, अपने बच्चों को जिंदगी देने के लिए समझना आपकी मजबूरी है, आपकी जरूरत है।